बिहार के एक सरकारी इंजीनियर संजय कुमार राय के घर छापेमारी में 3 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं गहने और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इंजीनियर की पोस्टिंग किशनगंज में है, वहां भी निगरानी विभाग ने छापेमारी की, जिसमें इतनी काली कमाई और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का खुलासा हुआ। निगरानी विभाग के DSP अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पटना और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ब्लैक मनी का खजाना मिला है एक इंजीनियर के घर से। इंजीनियर का नाम संजय कुमार राय है। 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। गहने और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इंजीनियर की पोस्टिंग बिहार के सीमावर्ती राज्य किशनगंज में है। निगरानी विभाग ने वहां भी छापेमारी की। काली कमाई और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का खुलासा हुआ। छापेमारी की यह कार्रवाई DSP अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में हो रही है। पटना और अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया गया है। साथ ही साथ गहने और अन्य संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विजिलेंस टीम ने छापेमारी में 3.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। नोटों का जखीरा आप देख सकते हैं। पटना और किशनगंज दो जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। किशनगंज में पोस्टेड है ये भ्रष्टाचारी इंजीनियर। एक सरकारी कर्मचारी के घर इतनी बड़ी रकम बरामद होना, सीधी सी बात, इस मामले में भ्रष्टाचार दिखता है। 3.5 करोड़ से ज्यादा कैश एक सरकारी इंजीनियर के घर से बरामद किया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, भ्रष्टाचार का मामला। 3.6 करोड़ कैश, लाखों का सोना चांदी पटना और किशनगंज में जो छापेमारी की गई है उसमें बरामद किया गया है। बिहार में ब्लैक मनी के कितने इंजीनियर? एक इंजीनियर के ठिकाने से मिले करोड़ों। अब तक जारी है नोटों की गिनती। करोड़ों कैश, करोड़ों का निवेश और लाखों रुपए का सोना चांदी। इस अकूत संपत्ति का मालिक है पटना के किशनगंज में रहने वाला इंजीनियर। इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो किसी को अंदाजा नहीं होगा कि इतना कैश एक ही ठिकाने से बरामद होगा। घूसखोर इंजीनियर संजय कुमार राय की काली संपत्ति की इन तस्वीरों को देखिए। सरकारी इंजीनियर संजय कुमार के ठिकानों पर आज विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जहां से करीब 5 करोड़ रुपए कैश, गहने और दस्तावेज बरामद हुए। ये छापेमारी विजिलेंस विभाग के DSP अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में चल रही है। अरुण कुमार राय ने बताया कि इंजीनियर संजय कुमार राय के खिलाफ काफी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस छापेमारी को अंजाम दिया। इंजीनियर संजय कुमार राय की पोस्टिंग किशनगंज में है। संजय कुमार राय के पटना वाले घर के अलावा कई ठिकानों पर विजिलेंस टीम की छापेमारी जारी है। छापेमारी की टीम में 13 अफसर मौजूद हैं। संजय कुमार के 2 किराए के घर और उनके अकाउंट्स क्लब के घर भी विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। संजय कुमार के किराए के मकान में करीब 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जिसकी गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। संजय कुमार राय के अकाउंट्स क्लब के घर से करीब 11 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल विजिलेंस की टीम संजय कुमार राय और उनके अकाउंट्स क्लर्क से बाकी ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।